हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु की 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जानते हैं कि यदि एरीज लगन के 8th हाउस में केतु बैठ जाएं, तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों, 8th हाउस का संबंध डेथ एंड लाइफ से है, सडन इवेंट से है, मिस्ट्री से है, ऑकल्ट से है, स्पिरिचुअलिटी से है एंड सेक्स लाइफ से है। एंड 8th हाउस का संबंध एक ट्रांसफॉर्मेशन से है, सडन इवेंट से है, सेटबैक से है एंड एक्सीडेंट से है, डिसीजेस से है, लॉन्ग डिसीजेस से है, क्रिटिकल डिसीजेस से है। और 8th हाउस का संबंध मिस्टिक नॉलेज से है, हिडन नॉलेज से है। और 8th हाउस का संबंध एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस जो है उससे है। और दोस्तों, 8th हाउस बहुत छुपा हुआ हाउस है, बहुत ही गहरा है, डीप है। इसे अंडरग्राउंड का एक घर भी कहा जाता है। अब यहां पर केतु विराजमान होगा। केतु क्या है? केतु इज ए सेपरेटिव एनर्जी। केतु का संबंध डिटैचमेंट से है, सेपरेशन से है, अकेलेपन से है, अलूफनेस से है और स्पिरिचुअलिटी से है, मोक्ष से है। तो 8th हाउस में केतु एग्जॉल्ट हो जाता है, यानी कि नाउ केतु इज सिटिंग इन एग्जॉल्टेड साइन। लेकिन दोस्तों, ये घर बहुत बुरा है। इस पर्टिकुलर एरीज लगन के लिए ये घर बहुत बुरा है, लेकिन केतु एग्जॉल्टेड है यहां पर। अब ये मानिए कि केतु जिस भी घर में आ जाता है, ऐसा वेदों में कहा गया है कि वहां पर केतु जो है उस घर के सिग्निफिकेंस से इंसान को कहीं ना कहीं सेपरेट रखता है, डिटैच रखता है। और ऐसा माना जाता है कि इस घर से संबंधित एक्सपीरियंस केतु अपनी पास्ट लाइफ में कर चुका है, यानी कि ये सब भोग चुका है। केतु जितने भी हमने चीजें कही हैं, इन सब चीजों को भोग चुका है। उसकी नॉलेज उसे परफेक्ट है, लेकिन ही इज नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन सच इवेंट्स। एंड अगर वो इतनी बुरी सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये चीजें हमें नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो बहुत बढ़िया है। हां दोस्तों, ज्यादातर ये चीजें हो सकता है केतु आपको ना दे, लेकिन कंडीशन एक है कि ये हाउस एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर ये हाउस एफ्लिक्ट हो गया, यहां पर किसी कोई दूसरे प्लैनेट्स आके बैठ गए या किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई, तो यहां केतु वो रिजल्ट्स नहीं देगा जो कि एक्सपेक्टेड है। यानी कि तो थोड़ा सा गहराई में जाने की जरूरत है। केतु यहां पर अकेला बैठा हो तो ये शुभ है, आपको एक्सीडेंट से बचा लेगा, सडन डेथ नहीं देगा, आपको कहीं बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से बचाएगा, कोई बैड इवेंट से बचा सकता है। हाँ, केतु का स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन तो है, बट ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस लाइफ। साइकिक एबिलिटीज, क्योंकि देखो कुछ सिग्निफिकेंस केतु का इस हाउस से भी हमें मिलता है, और इस हाउस में बैठा हुआ केतु 12th हाउस को भी देखता है 5th एस्पेक्ट से, तो 12th हाउस से भी वो सिग्निफिकेंस मिलता है हमें। तो यहां पर बैठा हुआ केतु इंसान में इनहेरेंट जो केतु की क्वालिटीज हैं और इस हाउस की क्वालिटीज हैं,
उसमें निपुणता को दे सकता है और वो 48-50 साल तक उन चीजों में आदमी बड़ा निपुण रहता है, उसके बाद भी निपुण रह सकता है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। अब निपुणता किस किस चीज में दे सकता है, कॉम्पिटेंसी किस किस चीज में दे सकता है, यहां बैठा हुआ केतु आपकी साइकिक एबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ा सकता है, आपको मिस्टिक नॉलेज दे सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकता है, आपको कहीं ना कहीं ऑकल्ट विद्या में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र मंत्र में, न्यूमरोलॉजी में, मैजिक में, ब्लैक मैजिक में ले जा सकता है, बिकॉज यहां केतु की मास्टरी है एंड केतु इज ए कर्ता ऑफ दीज थिंग्स। और इस हाउस से भी हमें यही चीजें मिलती हैं, हिडन नॉलेज मिलती है, और केतु बड़ा सीक्रेटिव है, और ये इस हाउस से हमें स्पिरिचुअलिटी मिलती है, केतु कारक है इस हाउस से, इंसान इस हाउस के थ्रू केतु बैठ के आपको मोक्ष की तरफ धकेल सकता है, इस हाउस से वो चीजें मिलती हैं हमें, यानी कि सारी नहीं मिलती लेकिन कुछ तो मिलती है, यहां से इनहेरिटेंस मिलती है, लेकिन यहां केतु इनहेरिटेंस नहीं दिलवाएगा आपको। हाँ, कुछ कंडीशंस में इनहेरिटेंस मिल सकती है, यानी कि अगर यहां शुक्र बैठ जाए आपकी वेल्थ का कारक, अब शुक्र जो है वो किस हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का, सामने बिल्कुल 180 डिग्री पे, और सामने कौन बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो राहु का डिस्पोजिटर अगर इस हाउस में बैठ गया तो राहु डेफिनेटली, राहु इज ऑब्सेस्ड अबाउट वेल्थ और फैमिली के घर में बैठा है, वेल्थ के घर में बैठा है, और ये इनहेरिटेंस का घर है, तो राहु की नहीं चलेगी क्या, राहु की, क्योंकि डिस्पोजिटर यहां आ गया, राहु की वहां बैठे हुए अगर शुक्र यहां ना आता तो राहु की फिर नहीं चलती, फिर केतु का होल्ड है। अगर वीनस यहां आके बैठ गया तो हो सकता है आपको इनहेरिटेंस भी मिल जाए, और मिली जाएगी, और मिलेगी कब, वीनस की दशा में या राहु की दशा में या अंतरा में, केतु की दशा में नहीं लेने देगा केतु, केतु ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा, इनहेरिटेंस का नुकसान करवाने की कोशिश करेगा, और मिल रही होगी तो उसमें अड़चने डालेगा, क्योंकि केतु ने वो चीजें आपसे डिटैच करनी है जो चीजें इस हाउस के सिग्निफिकेंस से मिलती हैं। लेकिन अगर वीनस बैठ गया, देखिए हर प्लैनेट में बहुत एनर्जी, हर प्लैनेट का एक फंक्शन है, वो जिस हाउस में आ जाएगा उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि उस हाउस के सिग्निफिकेंस से वो नेटिव को ब्लेस करे, उसे नवाजे उस चीज से, उस ब्लेसिंग से। और यदि उस घर में दूसरी कोई एनर्जी है, यानी कि अपोजिट एनर्जी है, तो अपोजिट एनर्जी भी अपना काम करेगी, लेकिन उसकी चलेगी कब अपोजिट एनर्जी की, जब उसकी कोई दशा चल रही है, अंतरा दशा चल रही है, या कोई ट्रांजिशन में वो इस तरीके से चल रहा है जिससे वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और आपको उन चीजों से डिटैच करेगा। लेकिन अगर राहु की अंतरा आ गई तो राहु का डिस्पोजिटर यहां बैठा हुआ है, तो राहु क्या करेगा, राहु का डिस्पोजिटर के थ्रू उसको इन्फ्लुएंस करके इनहेरिटेंस दिलवा देगा नेटिव। और ये हो सकता है कि जब केतु की अंतरा है तो केतु उस इनहेरिटेंस में या उस वेल्थ में कोई कमी डाल दे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई नुकसान करवा दे, कुछ लॉस करवा दे, क्योंकि केतु का अल्टीमेट गोल है आपको स्पिरिचुअलिटी में मोक्ष की तरफ ले जाना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, और वो कनेक्ट करता है आपको परेशान करके, आपको दुख दर्द देके, आपको अकेलापन देके, आपको चीट करा के, धोखे देके, दिलवा के लोगों से। तो आई थिंक नाउ यू आर कनेक्टिंग ऑल दीज फंक्शंस ऑफ दीज प्लैनेट्स इन ए पर्टिकुलर हाउस। अब हम आगे और देखते हैं। अब सपोज यहां पर सूर्यदेव आके बैठ गए एरीज लगन में ही। अब सूर्यदेव फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अनसर्टेन गेन्स और स्पेकुलेटिव मार्केट से कनेक्ट है। सूर्य सन इज वेरी पावरफुल प्लैनेट, और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य को सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस का दोष ज्यादा नहीं लगता, लेकिन यहां पर एक ग्रहण योग भी बनता है। सूर्य के साथ केतु बैठ गया तो 35 साल तक तो ये ग्रहण योग काम करता है, लेकिन 35 साल के बाद जब भी सूर्य की चलेगी तो सूर्य आपको अनसर्टेन गेन्स भी दिलवाएगा,
सट्टे से, स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से फायदा भी करा सकता है। हाँ, लेकिन केतु की जब दशांतरा आएगी या केतु की जब चल रही होगी तो आपको नुकसान करवा देगा, सडन लॉस करवा देगा स्टॉक मार्केट से। तो हमेशा तो लॉस नहीं करवा सकता। जब सूर्य का नंबर आएगा, सूर्य आपको दिलवाएगा, सडन गेन्स करवाएगा, और जब केतु का नंबर आएगा, केतु आपको कहीं ना कहीं उन गेन्स में लॉस करवाएगा या सडन लॉस करवा देगा किसी भी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में। लव लाइफ आपकी खराब कर देगा जब केतु का नंबर आएगा, या जो भी हम फिफ्थ हाउस से चीजें देखते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, चाइल्ड बर्थ, बच्चे की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बीमारी वगैरह का योग बनाएगा। लेकिन जब सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य की दशा में आपको गेंस मिल सकते हैं, सडन गेंस मिल सकते हैं। अब इसको हम एफ्लिक्शन भी कह सकते हैं, इट इज ए पॉजिटिव एफ्लिक्शन अगर हम इसको फ्रैंकली इलाबोरेट करें तो, क्योंकि केतु बैठा हुआ आपको यहां से सडन गेंस नहीं दिलवा सकता। दूसरे प्लैनेट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो इस घर से कुछ ना कुछ ले लेंगे। अब हम और आगे चलते हैं, यहां पर अगर चंद्र बैठ जाए, चंद्र यहां डेबिलिटेट हो जाता है तो आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का योग बनेगा, पानी वगैरह से। वाटर स्पोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए अगर चंद्र यहां बैठ जाए तो, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि मून डेबिलिटेटेड है, केतु साथ में बैठा हुआ, यह भी एक ग्रहण योग है। लेकिन केतु आपको मरने नहीं देगा, एक्सीडेंट ही होगा, उस एक्सीडेंट में नुकसान हो सकता है कुछ। ऐसे ही मंगल बैठ जाए तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, अग्नि से कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी केतु विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू सेव योर लाइफ। आप मिरेकुलसली बच जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा, इट वुड बी अ सीक्रेट हाउ यू एस्केप्ड फ्रॉम डेथ। केतु यहां आपको डेथ से बचाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी यहां केतु एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुका है लास्ट बर्थ में, यहां कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नहीं होने वाली। हां, अगर कुछ प्लैनेट्स ऐसे बैठ गए जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो केतु यहां से बैठ के बारहवें घर को देख रहा है, बारहवां घर विदेश का है। केतु आपको अकेलेपन में तो ले ही जाएगा क्योंकि वो तो कारक है अकेलेपन का, अलूफनेस का, सॉलिट्यूड का। केतु चाहता है कि आप अकेले हो जाओ, अपने लोगों से, अपने मां बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने अपने बर्थ प्लेस से, अपने नेटिव प्लेस से सेपरेट हो जाओ और आप कहीं दूर निकल जाओ। और फिर केतु की यहां दृष्टि भी है, नाइन्थ आस्पेक्ट केतु का फोर्थ हाउस पे है, फोर्थ हाउस हमारा नेटिव हाउस है, हमारी मदर का घर है। अगर केतु की दृष्टि मदर के घर में है तो वो हमेशा चाहेगा कि आपको आपके नेटिव प्लेस से दूर ले जाए और विदेश में ले जाए, क्योंकि उसकी बारहवें घर पे भी दृष्टि है, बारहवां घर विदेश का है। अब देखिए, जिन चीजों का केतु कारक है वो तो काम करेगा ही, आपको विदेश ले जा सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी में डाल सकता है, आपको अकेला कर सकता है, आपको मेडिटेशन में डाल सकता है, मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, साइकिक एबिलिटीज बिल्ट अप कर सकता है, आपके इंट्यूटिव पावर्स बढ़ा सकता है, आपको मिस्टिक नॉलेज दे सकता है, आपको ऑकल्ट में ले जा सकता है, तंत्र मंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब में ले जा सकता है, बिकॉज केतु इज ए कारक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और केतु बैठा ही इस घर में, इस घर से भी हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं और केतु है भी कारक इन चीजों, तो केतु तो यहां मास्टरी दे देगा आपको। लेकिन हाँ, जब केतु मेच्योर हो जाएगा उसके बाद हो सकता है आप इंटरेस्ट ना लो, अर्ली एज में अप टू 48 इयर्स आप इंटरेस्ट ले सकते हो, आप इन चीजों से पैसा भी कमा सकते हो क्योंकि केतु एग्जॉल्टेड साइन में है। तो दोस्तों, अब यहां पर और क्या चीजें मिलती हैं? यहां पर अगर जुपिटर आके बैठ जाए तो ये आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बना देगा, आप नाम कमा सकते हो छुपी हुई विद्या में। और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर अगर एट्थ में आ गया तो यहां एट्थ हाउस से रिलेटेड नॉलेज दे देगा, विजडम दे देगा, और केतु को भी एक डायरेक्शन दे देगा जुपिटर। और कहीं ना कहीं आप जो है स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हो,
कहीं ना कहीं हिडन नॉलेजेस से रिलेटेड लेक्चर्स दे सकते हो, लोगों को अपने पीछे अपना ज्ञान देके अपने पीछे लगा सकते हो और कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते पे डाल सकते हो अगर यहाँ गुरु बैठ गया तो। लेकिन दोस्तों इस हाउस से बहुत चीजें मिलती हैं, अगर गुरु के साथ शुक्र बैठ गया तो डायबिटीज वगैरह का योग बन जाएगा, क्योंकि ये बीमारी का भी घर है। अब गुरु चाहे केतु आपको बीमारी से अलग करेगा, लेकिन गुरु यहाँ आ गया बीमारी के घर में और इधर से एक शुक्र आ गया तो डायबिटीज हो जाएगी आपको। और अगर सिर्फ शुक्र आ गया तब भी बीमारी भी दे सकता है, आपका यूरिन ट्रैक सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, शुक्र से रिलेटेड हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है और कहीं ना कहीं लंबी बीमारी का योग बनता है। ऐसे ही चंद्र अगर आ गया तो कहीं हमारा मन जो है हमेशा उलझन में एक डीप थॉट में या ऑब्स्टेकल्स में, एक मन की शांति खराब हो जाती है, क्योंकि मून इज वेरी डेलिकेट प्लैनेट। इतना डीप हाउस में जब मून आ जाए तो कभी उसे चैन नहीं मिलता, हमेशा कुछ न कुछ उसके मन में चलता रहता है और फिर हर चीज की डेप्थ में जाता है, हर चीज की सच्चाई ट्रुथ को खोजने की कोशिश करता है मून यहां पर अगर बैठ जाए तो। फिर एक ग्रहण योग भी बनता है केतु के साथ। और दोस्तों यहां से और हम क्या देखते, इनहेरिटेंस हमने बात कर ली, बीमारी की बात कर ली, एक्सीडेंट्स की बात कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली, और हाँ अगर यहाँ बुध बैठ जाए तो आपको कहीं ना कहीं डाटा में ले जा सकता है, डाटा एनालिटिक्स में ले जा सकता है, आईटी में ले जा सकता है, आपको जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, लैंग्वेजेस में ले जा सकता है, बड़ा मतलब जितने भी ये भी हिडन नॉलेजेस ही हैं सारे आजकल के टाइम में। दीज नॉलेजेस आर वेरी सीक्रेट, बड़ा कोडिंग डिकोडिंग चलता है इसमें, दीज ऑल अंडर कम अंडर द परव्यू ऑफ 8th हाउस। तो दोस्तों केतु यहां बैठ के अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपको बुरी चीजों से बचाएगा यहां पर, अगर अकेला बैठा हुआ है और कोई प्लैनेट यहां नहीं है और किसी की दृष्टि नहीं है, और अगर दूसरे प्लैनेट्स यहां आ जाते हैं तो यहां पर आपको बीमारी भी दे सकते हैं, एक्सीडेंट भी दे सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके इनहेरिटेंस भी दे सकते हैं, अच्छी चीज होगी, सडन वेल्थ भी दे सकते हैं। अगर दूसरे प्लैनेट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया वो आ गए तो यहाँ आपको काफी कुछ दे सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ केतु जब 12th हाउस को देखता है तो आपको विदेश ले जा सकता है, आपको विदेश में कुछ अच्छे काम करवा सकता है, स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में डाल सकता है, लोगों की हेल्प करा सकता है, कहीं ना कहीं आप किसी एनजीओ के साथ जोड़ सकता है आपको। और केतु जब 2nd हाउस को देखेगा तो वहां तो राहु बैठा हुआ है, राहु जो है वहां सेल्फ एफर्ट्स करके वेल्थ क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 2nd हाउस वेल्थ का है, राहु को ऑब्सेशन रहेगी फैमिली में, वेल्थ में, और वो उन्हीं चीजों के पीछे लगा रहेगा और उसकी केतु की यहाँ नहीं चलेगी। और केतु फिर देखेगा 4th हाउस को, आपको मदर के घर से डिटैच कर सकता है, आपको जो अपनी मदर के साथ जो अफेक्शन है उसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स दे सकता है और आपको अपने मकान के सुख में कमी दे सकता है, अपनी लग्जरीज के सुख में कमी दे सकता है या डिससेटिस्फेक्शन दे सकता है या आप उनकी केयर नहीं करोगे, तो इस तरह का यहाँ पर आपको फल मिलेगा अगर केतु अकेला बैठा हुआ है। और दोस्तों यहाँ बैठा हुआ केतु आपको विशाखा नक्षत्र में मिलेगा 3.2 डिग्री तक, गुरुदेव का नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र भी एक ऑब्सेशन से भरा हुआ नक्षत्र है, और अगर विशाखा नक्षत्र में यहाँ केतु बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं इन चीजों से ऑब्सेशन दे सकता है। और फिर गुरु की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि यहाँ केतु किस तरह के रिजल्ट देगा, गुरु अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ चीजें ठीक चलेंगी ऐसा मान लेना चाहिए, और गुरु अगर यहाँ पर कहीं गलत घर में बैठे हुए हैं यानी कि 8th में या 6th में बैठे हुए हैं तो चीजें खराब चल सकती हैं। अगर 6th में बैठे हुए हैं और फिर गुरु की जो एनर्जी है वो केतु को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करेगी तो बीमारी का योग बना देंगे, अगर गुरु 6th में आ गए, 8th में आ गए तो भी कहीं लंबी बीमारी और
लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी यहाँ गुरु देंगे, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी का भाव, ये सब चीजें। और दोस्तों यहाँ पर विशाखा के बाद मिलेगा आपको अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र शनि देव का है, नक्षत्र तो अच्छा है लेकिन शनि देव का है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से जोड़ सकता है, तंत्र मंत्र और ये सारी चीजें। शनि भी डेफिनेटली इन्हीं चीजों को बिलोंग करते हैं। तो शनि देव की पोजीशन आपको बताएगी कि फाइनेंशियली आपको ये किस तरह के रिजल्ट्स देगा। या केतु बैठा हुआ, केतु एग्जॉल्टेड साइन में है, वी कैन वेल एक्सपेक्ट कि डेली रूटीन लाइफ में हमें फाइनेंशियली तो कुछ ना कुछ देगा ही, इनकम वगैरह। तो अगर शनि देव की पोजीशन प्लेसमेंट अच्छी है तो ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यहाँ शनि देव अगर कहीं फंसे हुए हैं, अच्छी पोजीशन नहीं है, यानी कि एट्थ हाउस में खुद आ जाते हैं, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। हालांकि कारका है शनि देव और सेवंथ में आ जाते हैं तब भी दिक्कत आ जाएगी। और अगर शनि देव यानी कि अपने ही किसी राशि में पड़े हुए हैं, इवन नाइन्थ हाउस में भी है, तो थोड़ा डिलेड रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन ठीक मिलेंगे। और दोस्तों शनि देव के बाद यहां पर नक्षत्र मिलेगा आपको ज्येष्ठ नक्षत्र बुध देव का। उसमें आपको बुध देव की पोजीशन देखनी है, प्लेसमेंट देखनी है। बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ केतु ठीक रिजल्ट्स देगा, बिकॉज केतु एग्जॉल्टेड साइन में है। बुध देव की प्लेसमेंट अगर खराब है तो थोड़ा बहुत बुध देव अपने आप अपने हिसाब से केतु की एनर्जीज को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स दिलवाने की कोशिश करेंगे जहां बुध देव विराजमान है, अच्छे या बुरे। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन केतु की एट्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। ऑल्दो इट वॉज ए कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन, बट आई थिंक यू हैव पिक अप द रूट, कहां से हमें क्या देखना है। और अगर आप इस तरीके से चीजों को एनालाइज करते हैं तो आई एम श्योर यू वुड कंक्लूड दिस प्लेसमेंट एक्यूरेटली एंड क्लोज टू द रियलिटी। सो फ्रेंड्स, एज यूजुअल माय नंबर इज 9899105355। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी यू कैन डायल दिस नंबर। इफ यू आर ए सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल देन यू कैन आस्क वन क्वेश्चन through our YouTube channel, and please mention that you are a subscriber so that we should respond you on priority. So friends, thank you very much for watching this video. Have a nice time. We'll see you soon. Thanks a lot.